बॉलीवुड में परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता आमिर खान एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी हर फिल्म में एक परफेक्ट एक्टर के तौर पर नजर आते हैं। तभी तो इनकी फिल्मों में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता, बल्कि इनकी फिल्मों की तारीफ ही कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भले ही कोई भी इनकी फिल्मों पर सवाल नहीं उठाता हो, मगर इनकी खुद की बेटी ईरा खान ने तो बेधड़क होकर इनकी चार फिल्मों पर उठाए हैं सवाल, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इसीलिए आज हम आपको आमिर खान की उन चार फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, जिन पर उनकी बेटी ईरा खान ने सवाल उठाए हैं। नंबर एक पर है दंगल। साल 2016 में आई आमिर खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दंगल सभी को काफी अच्छी लगी थी, पर आमिर खान की बेटी ईरा खान को भी ये मूवी अच्छी लगी थी। पर उन्होंने इस मूवी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पापा को इतना वेट गेन करने की क्या जरूरत थी, मेकर्स बॉडी डबल का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने मेरे पापा से इतना वेट गेन करवाया जिसके चलते उन्हें वेट लूज करने में काफी प्रॉब्लम आई। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इतनी मेहनत करवाने की क्या जरूरत थी। नंबर दो पर है मन। साल 1999 में आई मन फिल्म दर्शकों को काफी अच्छी लगी थी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा रोमांटिक और प्यारी थी कि दर्शक इस फिल्म पर अपना दिल हार बैठे थे। वहीं ये फिल्म ईरा खान को भी काफी पसंद है, मगर साथ ही वो इस फिल्म पर सवाल भी उठाती हैं और कहती हैं कि इस फिल्म में अनिल कपूर जी के लिए भी कोई पार्टनर रखना चाहिए था, तब जाकर ये फिल्म थोड़ी सी कंप्लीट लगती, क्योंकि दो दिलों को मिलाने वाला ही अकेला रह गया, ये अच्छा नहीं लगा। तो मेकर्स को उनके लिए भी कुछ प्लान करके रखना चाहिए था, ताकि ये फिल्म और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। नंबर तीन पर है इश्क। साल 1997 में आई फिल्म इश्क ने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब लुभाया था, मगर इस फिल्म में ईरा खान को किसी की भी एक्टिंग ज्यादा खास नहीं लगी, बल्कि ईरा खान को इसमें सभी की एक्टिंग थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगी थी, जिसके चलते ईरा खान ने फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक्टर्स को इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी, इमोशनल सीन भी इमोशनल नहीं लग रहे थे, मेकर्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि उनके एक्टर्स क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। नंबर चार पर है दिल। साल 1990 में आई आमिर खान की फिल्म दिल, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ ही रोमांस करते हुए दिखाई दिए थे, ईरा खान को ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें इस फिल्म की स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी है। उन्हें लगा कि ये स्टोरी एकदम आम स्टोरी जैसी है, मेकर्स को इसमें कुछ इंटरेस्टिंग रखना चाहिए था, पता नहीं उन्होंने ऐसी घिसी पिटी कहानी क्यों रखी। तो दोस्तों, आपको आमिर खान की ये चार फिल्में कैसी लगती हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।